तोरे परिवार का ही, हम गुजरात से थोड़ो आए ही, तो यही अपनापन सबका भाई बंधु वाला कि का भैया का हाल चाल हो, ये खत्म हो गया, भैया वाला शब्द चला गया, अब आ गया केम छो मजा माँ, तो केम छो मजा माँ खत्म होने वाला। वो 4% का जो वोट प्रतिशत था, फिर उसके बाद 14% कांग्रेस का आया, अब उसको कैसे काटेंगे आप लोग जो 63% का वोट खाई है? कहाँ 63%, प्रधानमंत्री ने 63% वोट पाया। अरे तो इस बार जोड़ लो ना गठबंधन का पूरा, वो परसेंटेज जोड़ लो, 14.38% हमारा है लोकसभा में, तो समाजवादी का भी जोड़ लो जो आज गठबंधन इंडिया गठबंधन में, उनका कितना हुआ? 18% कितना हुआ 18? अरे भाई 14 कितना हुआ? 32 63% है ना, और बाकी हमारा जनता जो जब देखेगी जनता के अत्याचार, जो आज जो 10 साल की विफलता है, बंदरगाह में जहाज आया, नहर कहाँ गया, नहर गंगा जी के पार, टेंट सिटी कहाँ गई, कहाँ व्यापार है, शहर को तोड़ डाला आपने, जाम, अभी यहाँ से गदौलिया जाओगे 1.5 घंटा लगे गदौलिया जाने में। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप अपने प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे, अरे प्रचार भी करें, तो वो लोग कैसे आएंगे? तो क्यों हम प्रचार करेंगे, जाएंगे जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के एक एक लोग जाएंगे आप? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं और जहाँ हमारी आवश्यकता समझ में आएगी, जहाँ जहाँ आवश्यकता समझ में आएगी वहाँ जाएंगे। बात की जाए तो टेनी को भी इस बार टिकट दिया गया, फिर से अब टेनी को लड़ाया गया। सोचो किसानों के, जो किसानों के हत्यारे, किसान आपने बहुत सही सवाल किया, जो किसानों की हत्या किया, जिसके लड़के ने खुलेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मार डाला, ऐसे लोग आज उनको टिकट दिया गया है। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी भाजपा है और यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, चरित्र। अमेठी से क्या लगता है, प्रियंका चुनाव लड़ेंगी? अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार की सीट है, उनके साथ रहेगी।